सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भाजपा की रैली के दौरान पुलिस द्वारा एक सिख पुरुष के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और उसकी पगड़ी खींचने पर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सिख अपने साथ एक पिस्टल ले जा रहा था और उसे छीनने के दौरान पगड़ी अपने आप गिर गई। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। भाजपा ने सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर सिखों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। घटना के दृश्य वायरल होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने ट्वीट किया, संबंधित व्यक्ति कल के प्रदर्शन में पिस्टल ले जा रहा था, तभी हाथापाई के दौरान पगड़ी अपने आप गिर गई। हमारा कभी भी किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का इरादा नहीं था। शख्स की पहचान भटिंडा निवासी 45 वर्षीय बलविंदर सिंह के रूप में हुई है। भारतीय सेना के पूर्व सैनिक सिंह वर्तमान में एक निजी सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करते हैं, जिन्हें एक भाजपा नेता द्वारा काम पर रखा गया है। पुलिस के मुताबिक उनके पास से एक लोडेड पिस्टल बरामद किया गया था। पिस्टल का लाइसेंस अगले साल जनवरी तक वैध है। उसने ये भी कहा कि गिरफ्तारी से पहले संबंधित पुलिस अधिकारी ने उन्हें अपनी पगड़ी वापस पहनने के लिए कहा था। कल कोलकाता में जिस तरीके सरदार बलविंदर सिंह जी के साथ बंगाल की पुलिस ने मारपीट की, उनकी दस्तार को पगड़ी को उतारा, उनको बालों से खींचकर अपमानित किया, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। इसने पूरी दुनिया के अंदर सिखों को बहुत दुख दिया है। ये वीडियो देखकर हम सब जहां आहत हुए हैं, वहीं हम वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को ये बताना चाहते हैं, याद कराना चाहते हैं, ये वही दस्तार पगड़ी है जो श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने अपने चार लाल वार कर हमें दी। ये वही दस्तार पगड़ी है जिसको पहनकर शहीद भगत सिंह ने अपने गले में फांसी का फंदा डाला, और ये वही दस्तार और पगड़ी है जिसको पहनकर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर कराया और बांग्लादेश अलग से मुल्क बनवाया। और आपकी पुलिस उस दस्तार की इस तरह से बेअदबी करे, बेइज्जत करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। मैं ममता बनर्जी से आग्रह करता हूँ, तुरंत 295A के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उस पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और बलविंदर सिंह को जो नजायज जेल में बंद कर दिया गया उनको बाहर निकाला जाए। कोलकाता की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह आदेश कंगना रनौत के एक ट्वीट पर दिया है। गौरतलब है कि कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। उस ट्वीट में कंगना ने लिखा था कि जो लोग CA के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे और देश में अफवाह फैला रहे थे, वही लोग अब किसान बिल के बारे में अफवाह फैला रहे हैं और देश में डर का माहौल बना रहे हैं। वे आतंक फैला रहे हैं, वे आतंकवादी हैं। शिकायतकर्ता रमेश नाइक ने अपनी याचिका में कहा है कि अभिनेत्री ने किसान बिल का विरोध करने वालों का अपमान किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कंगना के ट्वीट से समाज में टकराव की स्थिति बनेगी, इसलिए उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 504, 108 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की थी। बंगाल की दुर्गा पूजा दुनिया भर में मशहूर है। पंडालों में भव्य प्रतिमाओं को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। इस बार कोरोना काल में दुर्गा पूजा की खासियत ही होगी प्रतिमाओं के विभिन्न आकार की अभिनव प्रतिमाएं। थीम से ज़्यादा अधिकांश पूजा कमेटियां व कलाकार प्रतिमाओं पर विशेष जोर दे रहे हैं। प्रतिमाओं के शुरुआती आकार 4 फुट से लेकर अधिकतम 12 फुट के होंगे। वहीं कई प्रतिमाओं को विशेष रूप से सजा रहे हैं। पूजा कमेटियों का कहना है कि महामारी का असर पूजा पर भी खासा पड़ा है। विज्ञापन और स्पॉन्सर की कमी के कारण कम बजट की पूजा की जा रही है। महिला मूर्तिकार चाइना पॉल ने बताया कि इस बार पूजा की खासियत ही छोटी प्रतिमा होगी। कोविड-19 के मद्देनजर एक चाल
वाली प्रतिमाएं ज्यादा बन रही हैं। पंडालों के लिए श्याम बाजार सुभाष संघ की 4 फुट की प्रतिमा बन रही है। प्रसिद्ध मूर्तिकार मिंटू पॉल ने कहा कि इस बार ज्यादातर एक चौल की प्रतिमाएं होंगी। डाउन की प्रक्रिया के बीच सरफरा बाजार में भी धीरे धीरे मंदी दूर दूर होती जा रही है। बाजार में जैसे जैसे तेजी देखी जा रही है, ठीक वैसे वैसे ही सोना चांदी के दाम भी नीचे गिरते जा रहे हैं, जिसे खरीदारों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। पिछले 55 दिनों से ज्यादा समय से सोने के दाम में गिरावट जारी है। सोना अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से अब 5,500 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। वैश्विक बाजारों में तेजी को देखते हुए दिल्ली सरफरा बाजार में सोना 82 रुपए की तेजी के साथ 51,153 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के बताया कि इससे पिछले दिन के कारोबार में सोना 51,071 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने BJP के नवानंद चौलो अभियान पर कड़ा रवैया अपनाया है। नवानंद चौलो अभियान को लेकर कोलकाता पुलिस ने BJP के राष्ट्र सचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्र उपाध्यक्ष मुकुल रॉय आदि सभी लोगों के खिलाफ गैर कानूनी विधानसभा और कानून उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि BJP का राज्य सचिवालय नवानंद तक मार्च बिना अनुमति के निकाला गया और यह महामारी अधिनियम के स्वीकार्य मानकों के दायरे में नहीं था। हजारों BJP कार्यकर्ता ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सचिवालय तक मार्च में भाग लिया। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कि सरकार ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि बुधवार शाम को इनके लिए आवेदनों में कहा गया था कि कई रैलियां निकाली जाएंगी और सभी में करीब 25,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। बंगाल में होने वाले वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वर्ष दुर्गा पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे, उनकी खुशियों में शामिल होंगे। भाजपा महासचिव व प्रदेश भाजपा के केंद्र प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि दुर्गा पूजा 2020 के दौरान प्रधानमंत्री पहली बार बंगाल को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे और पूजा का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को महाषष्ठी के दिन बंगाल की पूजा में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दुर्गा पूजा के पहले बंगाल आ रहे हैं। वह उत्तर बंगाल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि श्री शाह का बंगाल दौरा अक्टूबर महीने के मध्य में होगा। वह 12 से 18 अक्टूबर के बीच कभी भी आ सकते हैं। वहीं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री 17 या 18 अक्टूबर को उत्तर बंगाल आएंगे और चुनाव की तैयारियां को लेकर बैठक करेंगे। उल्लेखनीय है कि श्री शाह पिछले वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल में थे और बंगाल की पूजा में हिस्सा भी लिया था। इस वर्ष भी पूजा के पहले श्री शाह का बंगाल दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के पहले बंगाल और बिहार के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें खुलने जा रही है। इसका लाभ झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के लोगों को भी मिलेगा। पूर्व रेलवे ने इस बात की जानकारी दी है। पूर्व रेलवे की सूचना के अनुसार कामाख्या यशवंतपुर, कामाख्या AC स्पेशल, भावनगर आसनसोल, भावनगर सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल और सूरत भागलपुर सूरत सुपरफास्ट द्वि साप्ताहिक ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है। पूर्व रेलवे ने कहा है कि 14 अक्टूबर से 02552 कामाख्या यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन
प्रत्येक बुधवार को कामाख्या से रवाना होगी। यह ट्रेन दोपहर 2 बजे खुलेगी और तीसरे दिन शाम 6:25 पर यशवंतपुर पहुंचेगी। वहीं 17 अक्टूबर से 02551 यशवंतपुर कामाख्या स्पेशल प्रत्येक शनिवार को यशवंतपुर से 8:30 रवाना होगी और तीसरे दिन दोपहर 2 बजे कामाख्या पहुंच जाएगी।